स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान से अफगानिस्तानियों को क्यों भगाया जा रहा है, नाजिया इलाही खान, एलविस यादव, किट्टू राव। जी चलिए दोस्तों, पहले डायरेक्टली वीडियो देखते हैं, क्योंकि नाजिया इलाही खान का जो वीडियो है और किट्टू राव के साथ, नाजिया इलाही खान हमें जो डिटेल में जानकारी देती है वो बढ़िया तरीके से देती है, हमें याद भी रह जाती है और पाकिस्तानियों को अच्छे से बजाती भी है। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि ये चीज मेनका गांधी ने किया है अल्पेश यादव के साथ, साजिश के तहत भी ऐसी बातें होती हैं। सबसे बड़े देश के धोखेबाज है वो है इस कौन। एक तो भाई राजस्थान पुलिस इतनी खुश होगी और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया, सबने फोटो खिंचाई। अरे पाकिस्तान का बाप कौन है, भारत है भारत, भारत। बात तो सही है। और गांधी और नेहरू ने जिन्ना के कटोरे में पाकिस्तान दे डाला। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। हिंदू को या फिर गैर मुस्लिमों को तो पाकिस्तान में छोड़ो, जो अफगानी है वो तो मुस्लिम ही है ना, उनको भी भगा रहे हैं ये तो। और वो जो एक एंकर है वो प्रूफ क्या दे रही है, 1920 का जो पंजाब और सिंध के रिफ्यूजी अफगान जा रहे थे ना, तो अफगान गवर्नमेंट ने भी उनको मना कर दिया था आने से, तो इस पर उसके जालत पर थोड़ा कुछ ये पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन एंकर थी। ये हलवा पकाओ वाली, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। अब उससे पूछना ये पड़ेगा कि तुम गुड़ का हलवा खाती हो या वाकई में सूजी का हलवा खाती हो, ये पूछना पड़ेगा। हलवा खाएं और सो जाएं, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणियां वो कर रही है उस हिसाब से वो गुड़ का हलवा खाती है और वो भी गधे के गुड़ का हलवा खाती है। हाय, 1920 में से क्या लेना देना है पाकिस्तान का। अरे पाकिस्तान का बाप कौन है, भारत है भारत, भारत। जिन्ना ने भीख का कटोरा फैलाया और गांधी और नेहरू ने जिन्ना के कटोरे में पाकिस्तान दे डाला। और कब, वो 1920 नहीं था, हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो हलवा पकाओ एंकर गुड मॉर्निंग, वो 1920 नहीं था। ठीक है जी। देखो इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनके पास जनरल नॉलेज किसी भी तरीके का नहीं है, इनके पास मानवता से कोई लेना देना नहीं है। इन पगलिस्तानियों को ये भी नहीं पता है कि कुरान क्या बोल रहा है, ये भी नहीं जानते। इन्होंने थूक लगा करके कुरान के वो पन्ने पढ़े हैं जिसमें बताया गया 4 बीवी रख सकते हो और जन्नत में 72 वर्जिन हुरे मिलेंगी, औरत जो है वो अय्याशी का सामान है, औरत को तुम बिस्तर पर ले जाओ, लाइट ऑफ कर दो, 4-4 बीवी को एक साथ नंगा करो, 4-4 बीवी से एक साथ अपना जिस्मानी जिस्मानी ठरक पूरा करो, ये सिर्फ वही पढ़े हैं। इन्होंने थूक लगा करके कुरान के उसी पन्ने को पलटा है जिसमें ठरकबाजी की बात लिखी हुई है। जहां पर अच्छी बातें, तालीम की बातें, जहां पर खूबसूरत बातें लिखी हुई है वो नहीं पढ़ेगा। आखिर उसी मजहब की किताब में 800 बार इल्म की बात भी लिखी हुई है भाई, 300 बार 306 बार मानवता की बात भी लिखी हुई, पर वो तो नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने थूक लगा के पढ़ा है, जहां पर ठर की बातें हमको वही पढ़ना है। अब देखो अफगानियों को जो अत्याचार इन्होंने किया है, अफगानियों पर जो जुल्म इन्होंने ढाए हैं, अब आज अवेसी जो है वो जोड़ा अवेसी आंख मीच करके कहां गायब हो गया है, यहाँ तो बड़ा उपद्रव मचाता था। अरे हमास मेरा भाई है, फलस्तीन मेरा भाई है, तू यहाँ क्यों बक रहा है भाई, तू फलस्तीन चला जाना, तू हमास जाना, वहां जाके बक, वहां जाके चिल्ला, 2-4 अल्लाह अकबर का नारा लगा करके तू भी वहां बलात्कार कर ले अल्लाह के नाम पर, तो तेरा फायदा भी हो जाएगा इस बुढ़ापे में। तो ये जो जितने लोग है ना अभी अफगानियों को, हालांकि ये वही अफगानी है जो भैंसे का गोश्त भी खाते हैं, जो वही जिन्ना का 1937 का शरिया लॉ पढ़ते हैं, वही मजहब की किताब पढ़ते हैं, वही सुन्नत रसूल को मानते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी देखो अब कहां गया तेरा मेरा रिश्ता, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, कहां गया तेरा मेरा रिश्ता, मतलब इस्लाम का बदनुमा चेहरा सामने आया, मतलब तेरा मेरा रिश्ता क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह का गंदा और सही सच सामने आया। छोटे छोटे बच्चे ना किट्टू रस्सियों में बांध करके जा रहे थे, रस्सियों में ट्रैक्टर से बांध करके जा रहे थे, उनके पैसे लूटे हैं इन बदतमीज कौम पाकिस्तानियों ने, पैसे लूटे हैं उनके, उनकी बहु बेटियों को लूटा है, उनके पेट से अनाज चोरी किया है, उनके घर पे बुलडोजर चलाया है। और देखिए देखो असदुद्दीन अवेसी चुप है,
मौलाना अरशद मदनी चुप है, मौलाना साजिद रशीदी चुप है, मुफ्ती तारिक मसूद चुप है, तारिक जमील चुप है, खैर उसका बेटा तो अभी 72 वर्जिन हूर के पास गया इसलिए वो खुश है। उसके बाद फिर यहाँ पर जितने धर्म के ठेकेदार हैं, जितने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, सबके मुंह में पता नहीं क्या चला गया है। मुझे तो जानना है मुंह ऐसे फाड़ करके देख करके कि तेरे मुंह में गया क्या है, तू अभी क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, मुझे जानना है, मुझे देखना है कि अभी मानवता की बात कहाँ चली गई। अब देखो जब हमारे यहाँ जब एनआरसी की बात चल रही थी, एनआरसी को लेकर के हम भी, जैसे पाकिस्तान ने अफगानियों को निकाला कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो इनको निकल जाना चाहिए। 1.7 मिलियन अफगानियों को इन्होंने बेघर कर दिया रातों रात 1 नवंबर का डेडलाइन दे करके। और भारत में जब 2019 में कहा गया कि भाई एनआरसी के द्वारा हम लोग घुसपैठिए रोहिंग्या को निकालेंगे, एक दिन में इस पूरे भारत में 15,000 से ऊपर एनआरसी की विरोधिता में मुसलमान लुंगी उठा उठा करके नाचे। आज क्यों नहीं नाच रहे? आज लुंगी को क्या स्टेपलर से स्किन से स्टेपल कर दिया है? आज क्यों नहीं लुंगी उठा कर नाच रहे? ये अफगानी तो वही लाइलाहा पढ़ते हैं ना, ये अफगानी तो वही सुन्नत रसूल मानते हैं ना, ये अफगानी तो वही भैंसे का गोश्त खाते हैं ना, ये अफगानी तो वही रमजान में रोजा रखते हैं, ईद मनाते हैं, फिर आपकी लुंगी आज क्यों नहीं उठ रही है? आज आप क्यों नहीं नंगा नाच रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत गलत किया? आज नहीं बोलेगा, आज कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि भारत में एक वर्ग है मुस्लिम समुदाय में जो आज भी पाकिस्तानियों को सपोर्ट करता है। और कल को अगर सेकेंड फ्रंट की कोई ऐसी घटना वॉर वगैरह होती है तो ये भारत की 14% डरी हुई कौम उन पाकिस्तानी टेररिस्ट का खुल करके समर्थन करेगी, जैसे भारत के अंदर हम्मासी बलात्कारी और आतंकी का समर्थन भारत के मुसलमानों ने खुल करके किया है वैसे ही करेगी। इस बात को लिख करके नोट करके रख लो। ओके मैम, जो अभी अफवाहें चल रही थी मीडिया पर बहुत ज्यादा, एल्विस यादव, क्योंकि ये बीजेपी को खुले सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके बारे में अफवाह चली कि रेव पार्टी में उन्होंने जो सांपों का जहर है ना, स्नेक बाइट एक नशा होता है, उसको उसके लिए आप पूछ रही है ना? हाँ जी मैम, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो बंदा, उसका एक डायलॉग है कि भाई सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम है भाई, सिस्टम है भाई, एक डायलॉग के वो 25-25 लाख रुपए ले लेता है, तो उस बंदे को क्या जरूरत पड़ी है सांपों का जहर बेचने की? और कोटा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान उनको रोका था, और फिर बाद में खुद कोटा पुलिस ने न्यूज में बताया भी कि भाई सिर्फ ये मतलब नाकाबंदी थी और कुछ नहीं था। नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी, दौरान चेकिंग एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, तीन चार जने सवार थे, इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम एलबीस यादव करके बताया था। नोएडा में संबंधित थाने के डीसीपी साहब और एसीपी साहब से बातचीत करके और उनको आवश्यकता नहीं होने से हमने इनको रिलीज कर दिया। उसके बाद मीडिया ने इतना बवाल मचाया, आखिर क्यों? और अगर किसी पर्सन को ऐसे डिफेम किया जाता रहा तो क्या कोई मतलब, जैसे कि मेरे को किया जाए तो मैं क्या कोई लीगल एक्शन ले सकती हूँ? तो सबसे पहली बात है कि ये एक लीगल मैटर है, और वेस्ट बंगाल में मुझे भी मलाइन करने के लिए, इसी भारत में वेस्ट बंगाल है जहाँ पर श्रीमती ममता जी बैनर्जी जी की सरकार है, जो राम का नाम लेने पर, भगवान राम का नाम लेने पर जेल भेजती, जो मुहर्रम में दुर्गा पूजा का विसर्जन बंद करवा दे, अगर मुसलमान बलात्कार करे तो वो उसको सजीवी घटना बोलती है, अगर राम भक्त शोभा यात्रा या राम भक्त जो है वो रामनवमी का यात्रा निकालते हैं तो वो पहले ही अपनी स्पीच में बोल देती हैं कि मुस्लिम एरिया से मत जाना नहीं तो पत्थर बरसेंगे, और पत्थर बरसता है। और उसमें एक मुस्लिम फेस इस वेस्ट बंगाल में मैं सबसे वोकल, मुझे मलाइन करने के लिए, मुझे बेइज्जत करने के लिए, मेरे मुंह को बंद करने के लिए मेरे ऊपर भी केसेस किए, मैंने बेल लिया क्योंकि मुझे पता है बेल के प्रावधान कैसे है, मैंने कानून पढ़ाया तो मैंने बेल लिया, लेकिन उसमें हाथ भारतीय जनता, पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों का भी था, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे कि एक मुस्लिम समुदाय से आई हुई लड़की को भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल केंद्र की इतना ज्यादा पसंद कर रही है, ये यहाँ के लोग देख नहीं पा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट इसमें इन्वॉल्व था मुझे मलाइन करने, मुझे बेइज्जत करने में, स्टेट की राज्य की सरकार सिर्फ नहीं थी, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी दो चार ऐसे लोग थे जिन्होंने मिल करके मुझे खत्म करने की बहुत कोशिश की, बहुत साजिश की।
लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मैं तो आराम से सीना चौड़ा करके आज भी चल रही हूँ। तो उसी तरीके से याद करिए कि ये चीज मेनका गांधी ने किया है अल्पेश यादव के साथ, याद रखना पड़ेगा। और ये वही मेनका गांधी है जिन्होंने कुछ दिन पहले इतने पवित्र जगह इस्कॉन टेम्पल पर भी उन्होंने एलिगेशन लगाया था। सबसे बड़े देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। और बाद में इस्कॉन टेम्पल ने उनके ऊपर 1000 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका और जिसका जवाब वो अभी तक नहीं दे पाई है, अभी तक नहीं दे पाई है। ये वही मेनका गांधी है जो कभी दिल्ली के हाईकोर्ट में गुहार लगाती थी कि इंदिरा गांधी जो है वो मेरे बच्चे से, वो वरुण गांधी से ना मिले, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो वरुण गांधी को दिखा करके वोट की राजनीति कर। उन्होंने जब तक इंदिरा गांधी जिंदा थी तब तक मेनका गांधी ने वरुण गांधी को अपने बिल्कुल साइड में रखा, वो दादी से मिलने नहीं देती थी। और आज वो बीजेपी के जो पक्ष में बात करते हैं उनके और हिंदू देवी देवताओं के इस्कॉन टेम्पल के विरोधिता में वो खड़ी हुई है। खड़े होने दे, मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन पे अल्पेश यादव को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, अपने कानूनी स्टेप्स पर बिल्कुल आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि एक तो प्रथम मुख मेनका गांधी का बिल्कुल है ही है जो सामने आ चुका है, पर और भी कौन कौन है जो मेनका गांधी को भी सपोर्ट कर रहा है ऐसे हिंदुत्ववादी लोगों को बदनाम करने। अब आती है बात कि कुछ ऐसे बॉलीवुड के लोग हैं जिन्होंने संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ कर रखा है। कुछ ऐसे लोग जैसे आमिर खान, वो हमेशा टीवी चैनल के सामने आते हैं और कहते हैं कि भारत में हम लोग सुरक्षित नहीं है। जैसे नसीरुद्दीन शाह हमेशा सामने आते और कहते हैं भारत में हम लोग सुरक्षित नहीं है, तो भैया चले जाओ ना, लोटा कंबल उठाओ और भाग जाओ यहाँ से, कमाते यहाँ से हो, सब कुछ यहीं से करते हो, फिल्म यहाँ बनाते हो, सब कुछ करते हो और फिर भी सुरक्षित नहीं हो, तो लोटा कंबल उठाओ और बदना कंबल उठा करके पलटी लो, एकदम कल्टी ले लो, बोलो तो बाघा बॉर्डर खुलवा देती हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर के पाकिस्तान जाकर के रहो, क्या दिक्कत है इसमें। और अच्छा है जितना जल्दी बोझ हल्का हो भारत का, एक एक करके सब कल्टी ले ले, पाकिस्तान में जाके आटा चावल का लाइन लगाए, उतना अच्छा होगा। बॉलीवुड के कुछ लोगों ने संस्कार और संस्कृति का हनन तो किया है, अश्लील कपड़े पहनना, बेमतलब के 60 साल का बुढ़ा भी जो है वो लव एंड अफेयर कर रहा है, पेड़ों के आगे पीछे ढोल करके नाच गा रहा है और इस तरह की मतलब अश्लीलता को बॉलीवुड के द्वारा फैलाया गया है। अब उसी मोमेंट पर, उसी सर्कमस्टांसेस पे जब द कश्मीर फाइल आई, द केरला स्टोरी आई, द वॉर ऑफ वैक्सीन आई, तो ऐसी फिल्मों को मतलब बॉयकॉट करने के लिए इन बॉलीवुड वाले ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। वो भारत की जनता थी जिसने इन सब्जेक्टिव और ट्रुथ सब्जेक्टिव मूवीज को पसंद किया और इसको बॉक्स ऑफिस पर धूम मचवाया कि नहीं हम ऐसी सब्जेक्टिव मूवीज देखेंगे। अब भाई आमिर खान इस उम्र में कमर लचकाएगा, कौन देखना चाहेगा। शाहरुख खान जवान बेटा जवान बेटी का बाप आकर के बिकिनी में दीपिका पादुकोण को गले लगाएगा, चुम्मा चाटी करेगा, नहीं देखना चाहता है भाई जनता, भारत की जनता नहीं देखना चाहती है। भारत की जनता ट्रुथ बेस पर स्टोरी देखना चाहती है, बड़े पर्दे पर देखना चाहती है ताकि वो कुछ समझे, कुछ सीखे। द केरला स्टोरी ने बहुत अच्छी बात समझाई कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा क्राइम है जो किसी खास मकसद के द्वारा मुसलमानों से करवाया जा रहा है और मदरसे में बचपन से सिखाया जाता है, ये एक क्राइम है जो मुसलमान लड़के कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी मूवी थी। द कश्मीर फाइल जब आई तो हमें नंगी आंखों से पता चला कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ है। मैं तो लिटरली हॉल में बैठकर रोई हूँ, लिटरली मैं तो मतलब सिसकियां लेकर के रो रही थी और मुझे लगा कि भाई ये कौन मुसलमान है, ये कौन सा धर्म है, ये कसाई खाना खोल कर रखा है क्या धर्म के नाम पर, ये क्या है ये लोग। तो ऐसी सब्जेक्टिव मूवीज अब भारत में लोग देखना चाहते हैं, तो उसी चक्कर में अल्पेश यादव को लपेटा गया है। एक आता है कलेश विद करण, बड़े मतलब जितनी अश्लीलता है उस कलेश विद करण में होती, जितनी अश्लीलता है। अभी हालिया में पहला नया नया बना स्टूडियो और देखो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, उसका एपिसोड जो है वो बहुत वायरल हुआ। क्यों वायरल हुआ? क्योंकि दीपिका पादुकोण ने बताया कि वो रणवीर सिंह उसके माइंड में था पर उसके साथ बहुत सारे मर्द थे। भाई क्या क्या दिखा रहे हो तुम लोग भारत की संस्कृति और संस्कार को क्या दिखाना चाहते हो, दूसरी जगह क्या मैसेज भेजना चाहते हो? तो ऐसी चीजों को से हम लोगों को अवॉइड होना करना चाहिए और अल्पेश को कानूनी तरीका और कानूनी प्रक्रिया बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए
क्योंकि सामने वाला जो उसके उसके अपोजिट में खड़ा है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, गांधी परिवार की बहू है, तो इसलिए उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। लेकिन मैम ये जो न्यूज चैनल वाले ज्यादा ही कुछ मतलब है, मैं क्या बताऊं, मिर्च मसाला लगा के जैसे एक पाकिस्तानी जो हलवा पका वो वायरल क्यों हुई थी, क्योंकि वो पहले मोदी जी के लिए ऐसी उठपटांग बातें बोलती थी कि मोदी जी ड्रग सप्लाई करते हैं, मतलब सोच कर देखो क्या जरूरत पड़ी है, और अभी ये वैसे ही जाहिलता हमारी मीडिया की दिख रही है। तो हमारी मीडिया में सीमा गुलाम हैदर जो पाकिस्तान के सिंध की जाखरानी डकैत कबीले की बेटी है, जिसके लिए पाकिस्तान ने एक न्यूज भेजा कि अगर सीमा गुलाम हैदर को ना भेजा जाए तो हम मंदिरें तोड़ेंगे, और उन्होंने 150 साल की मंदिरें तोड़ी। आज देखो भारत की मीडिया ने उसको, जैसे लग रहा है कि हम तो भारत को मानते ही नहीं है, हम तो भारत से मोहब्बत ही नहीं करते हैं। जितना सीमा गुलाम हैदर को दिखाया जाता है, मुझे लगता है कि उसका 1% पीटी उषा को नहीं दिखाया जाता है, जो गोल्डन गर्ल है भारत। अब तो उनका खुद का भी चैनल है मैम, तो उनके केस में क्या हुआ, मतलब कि उनको क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि वो अवैध रूप से आए थे ना? नहीं, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। ये हमारे भारत के लोग है, बहुत प्रेम बांटने वाले लोग है ना, बहुत मानवता वाले लोग हैं, इसीलिए इनके ये अपने मंदिरों के लिए 20 साल लड़ते हैं। जो वकील लड़ता है, जो वकील इतनी परिश्रम करता है, इतनी मेहनत करता है, उसके दिल से जाकर के पूछो कि उसने कितनी परिश्रम की है, उससे पता करो, जिन्होंने जान दी है राम मंदिर के लिए उससे पता करो, जिसकी जिन औरतों की का सिंदूर उजड़ा है, जिनके बच्चे अनाथ हुए थे राम मंदिर के लिए, उनसे जाकर पता चलो। ये तो मानवता, ये तो खाली हवाबाजी में मानवता की बातें करने में क्या जाता है। सीमा भाभी कर रहे हैं चटने की तरह, तलवा चाट रहे हैं सीमा भाभी का, चाटिए। मैं वैसे तो फिर सारी पाकिस्तानी लड़कियां भारत आना चाहती है, और सारी आ गई तो फिर हिंदुस्तानी लड़कियों का क्या होगा? वही जो मुसलमान लड़कियों का हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी दुनिया में मगन है, और सारे मुसलमान लड़के जो हैं वो लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के शादी कर रहे हैं, तो हम खुश हैं ना, हम खुश हैं, तो उसी तरीके से हिंदुस्तानी लड़कियां भी खुश रहेंगी। क्योंकि देखो सीमा गुलाम हैदर का जो केस है वो अभी तक उसको क्लीन चिट नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से मीडिया पे उसको हाइक मिला है, मुझे लगता है कि जो लड़कियां यहाँ पर टॉप करती हैं या इसरो में जो साइंटिस्ट महिलाएं काम करती हैं, उनको भी उतना टीआरपी और उनको भी उतना हाइक हमारे देश की मीडिया ने नहीं दिया होगा जितना सीमा गुलाम हैदर को दिया है। क्या वो कर रही है, आरती उतार रही है, और वो क्या कर रही है, मुजरा कर रही है जो पाकिस्तान से सीख के आई है, तवाइफ की तरह नाच रही है और उसको दिखा रहा है यूट्यूब वाला भाई, वो तो अपने मुस्लिम देश से मुजरा और तवाइफ खाना तो सीख के आई है, वो वही कर रही है यहाँ पर, तुम इसमें क्या मजा ले रहे हो। तो मुझे लगता है कि 2-4 व्यूज के लिए इतना नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि आप भारत की सभ्यता का ही कोई सवाल पर खड़ा कर दे, मुझे ऐसा फील होता है। एक जाखरानी कबीले के डकैत की बेटी है वो, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 150 साल की मंदिर टूटी है, ये बात भारत के सनातनी कैसे भूल जा रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो मुसलमान होकर नहीं भूल पा रही, मुझे तो गुस्सा आता है मुसलमान होकर के, पर भारत के सनातनी कैसे उसको सीमा भाभी करके पुकारते हैं, ये तो मैं नहीं समझ पाती। और तुमने वो हलवा पकाने वाली पिज्जा के बारे में बात की कि वो झूठ सच बोलती है, देखो वो सच कभी नहीं बोलेगी। पाकिस्तान में हर साल 1000 से ऊपर ऑनर किलिंग होती है, लड़कियों को मार डाला जाता है ऑनर किलिंग के नाम पर, जो इस्लाम इस बात की गवाही भी देता है कि जैसे तुम्हारे भाई तुम्हारी शादी हो रही है, अब मैं तुम्हारी शादी में नाच ली तो तुम्हारे धर्म के लोगों ने मुझे नाचते हुए देख लिया तो मेरा ऑनर किलिंग होगा, मतलब मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा, मैंने क्यों नाचा, ये इस्लाम के हिसाब से बेइज्जती हो गई, खानदान के मर्दों की बेइज्जती हो गई। तो ऐसी ऑनर किलिंग पाकिस्तान में 1000 से ऊपर हर साल होती है, और 2022 के केसेस अभी भी कराची के कई कोर्ट में फंसे पड़े हैं जिनको जस्टिस नहीं मिली है। अब देखो ये पाकिस्तान का नेशनल मीडिया कभी नहीं दिखाएगा कि 3 डेकेड से 98 जर्नलिस्ट का मर्डर हो चुका है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान नहीं दिखाएगा, और जिसके केसेस चल रहे हैं अभी भी, 2023 में भी वो मैटर चढ़ा है और उसको दबा दिया गया है, 98 जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ है, जस्टिस नहीं मिला है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2021 में 470 केसेस ऐसे बताए हैं कि और लड़कियों की बोटी कर दी गई है। क्यों कर दी गई? क्योंकि उसने अपने पसंद का इजहार किया है कि उसको इससे शादी करनी है, इस मर्द से शादी करनी है, इससे नहीं करनी है, तो 470 लड़कियों को बोटी कर दिया गया है ओनली बिकॉज क्योंकि उसने अपने पसंद का इजहार किया।
सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और नाजिया इलाही खान ने जो बधाई है उसमें जो डॉक्टर साहिबा का नाम लिया जा रहा था वो तो आप लोग भी उसको बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। इनमें 1920 का ये बोल रहे हैं तो 1920 में मैं तो यही बोलूंगा तब भारत पाकिस्तान का पार्टी कहाँ हुआ था भाई। हाँ उस समय अफगानिस्तान अलग था वो बात अलग है बट उसको इस बात से क्या लेना देना दे रहे पागल। उस समय भी निकाला गया बट तभी सरकार भारत की थी तब सब कुछ भारत का था पाकिस्तान का तो कोई वजूद ही नहीं और यहाँ पे अंग्रेजों का राज था तभी तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी नहीं इस दुनिया में। तो ये डॉक्टर साहिबा पढ़ लिया करो डॉक्टर की डिग्री मत लगाया करो आगे ठीक है। हर बार बोलती हो ना हलवा पकाओ तो वो वाली बात है। तो ये जो सीन जो पाकिस्तान में जो रेफ्यूजी थे उसकी कहानी जो जुड़ी हुई है वो कहानी है रशिया की ओर से उसके ऊपर मतलब जब जुल्म हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर और वहाँ पे लोई लुहान लोग बन रहे थे वहाँ पे हत्याएं हो रही थी अफगानिस्तान में तो जान बचाने के लिए वो पाकिस्तान चले गए थे। करीबन 25 लाख के आसपास की आबादी थी मतलब आने वाले जो एज ए रेफ्यूजी तौर पे लोग जो आए थे वो करीबन 25 लाख के आसपास थे जो अभी पाकिस्तान से उसको निकाला गया है और बोल दिया गया है कि आप अफगानिस्तान चले जाओ ऐसा। तो उन लोगों के साथ जो साथ नाइंसाफी हुई है इसका जो बदला है फिलहाल टीटीपी अच्छे से ले रही है। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो खुद पाकिस्तान ने ही उनको बनाया था आज उसको ही पिछवाड़े पे लात मार रही है। अब यहाँ पे बात और भी एक थी एलविस यादव की तो आपको दोस्तों पता होगा हमने एक वीडियो डाली थी एलविस यादव की जिसके ऊपर जो केस था वो था सांप के जहर की तस्करी का ठीक है वो केस डाला गया था। तो उसमें जो मुखट्टा था उसके पीछे की जो कहानी थी वो जो मैडम थी उसका नाम आ चुका है। तो अब उसके पीछे जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी वो अच्छे से पढ़ चुकी है। तो हाँ नाजिया इलाही खान ने जो बताया वो सही बताया अब एलविस यादव को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा क्योंकि जो केस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि ये जो शोरू शक्के लुटेरे जो है ना उन लोगों का मुखट्टा बाहर आए और उसको सजाए हो। तो ये भी एक बात हुई। बात और भी हुई कि बहुत सारे एक्ट्रेस जो थे जिन्होंने नाजिया इलाही खान ने उसमें नाम भी जिक्र के नाम के साथ है जैसे कि नसरुद्दीन शाह और आमिर खान जिसका दोस्तों आप भी जानते हो हमने कई सारे वीडियो देखे जिनमें ये बोले हैं। और नसरुद्दीन शाह जो उसका कुछ न्यूज एंकर था उसका इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बोला था वो तो मैंने भी वो वीडियो देखा है और क्लियरली बोला था कि हम भारत में सेफ नहीं है। तो भाई इतने साल अब नसरुद्दीन शाह जो थे उसकी तो एज भी कितनी बड़ी हो चुकी है तो उन लोगों ने इतने साल भारत में आप लोगों ने भारत में जन्म हुआ भारत में पैदा हुए भारत में आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया अब आप बोल रहे हो सेफ नहीं हो जिससे पैसा कमाया सब कुछ। लेकिन इन लोगों को क्लियर करना चाहिए कि भाई हम किस रीजनों में सेफ नहीं है। अब देश में बहुत ही बड़ा संविधान है बड़ा कानून है आप सहायता ले सकते हो और फिर भी आप अनसेफ लग रहे हो तो जो आपको नाजिया इलाही खान जी ने जो आंसर दिया है वही आपके लिए बेटर रह सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।